न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत NH 33 स्थित और रॉयल्स बार एंड रेस्टोरेंट में गुरुवार की रात ढालूगढ़ SDO पारुल सिंह ने ग्राहक के वेश में प्रवेश किया। इसके बाद वहां से अवैध हुक्का बार और असली डांस के खेल का खुलासा हुआ। यहां से आपत्तिजनक डांस करते हुए 10 युवती को हिरासत में लिया गया है। सभी पश्चिम बंगाल, नागपुर और मुंबई की लड़कियां हैं। सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। SDO पारुल सिंह ने बताया कि बेहद ही गोपनीय तरीके से यहाँ पर अवैध हुक्का बार और डांस बार चल रहा था। इसकी सूचना मिलने पर अपने गोपनीय शाखा के पदाधिकारियों के साथ यहाँ घर बनकर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही इस अवैध अनैतिक कार्य का खुलासा हुआ। फिलहाल मालिक को ट्रैक किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यहाँ से करीब 400 शराब की बोतलें, वॉकी टॉकी, लैपटॉप, कंप्यूटर बरामद किए गए हैं। फिलहाल सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। उन्होंने बताया कि छापेमारी की सूचना मिलते ही सभी बाउंसर मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि इस पूरी कार्रवाई में स्थानीय पुलिस को दूर रखा गया। यहां पहुंचने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। SDO की इस कार्रवाई के बाद हाईवे के किनारे बसे रिसोर्ट और रेस्टोरेंट में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलने के उपरांत हम लोगों ने डिसाइड किया कि मेरे गोपनीय की जो टीम है, हमारे बॉडीगार्ड है मृत्युंजय और दूसरे प्रधान दलपति ऑफिस का स्टाफ है और नीतीश, हम लोगों ने ये प्लान किया कि ज़्यादा सूचना देने से अच्छा है कि हम ही लोग चले जाते हैं। तो हम लोग मतलब नॉर्मल कस्टमर्स की तरह पे सिविल ड्रेस में यहाँ पे आए थे और उसके बाद हम लोग ये प्रिटेंड कर रहे थे कि हम लोग सिर्फ घूमने आए हैं। तो पहले हम लोग आगे की तरफ गए थे, तो हम और नीतीश जो थे वो आगे गए थे और प्रधान वहाँ पे उसने बताया वहाँ पे नॉर्मल ड्रिंक्स थी और हुक्का था जी जी। और लेकिन वहाँ पे डांस का कोई स्कोप नहीं था, मतलब डांस फ्लोर था, सारे अरेंजमेंट्स थे लेकिन डांस बाय चांस वहाँ नहीं था। हम लोगों ने जब पता किया तो उसने बताया सिंगर नहीं है इसलिए डांस नहीं था। तो हम लोगों को लगा कि ठीक है, मतलब नॉर्मल ही है। फिर तब तक पीछे हम लोगों ने टीम को भेजा हुआ था, तो उसमें मृत्युंजय थे और साथ में दलपति थे। तो इन लोगों ने यहाँ से बोला कि नहीं, यहाँ पे है इस तरह का। तो मतलब हम लोग भी पीछे से आ गए, हम लोगों ने मतलब एंटर किया और हम लोग नॉर्मल कस्टमर्स की तरह पहुँचे हुए थे। जो भी इन लोगों के मतलब ड्रिंक्स वगैरह जो सर्व हो रही थी वो मतलब हम लोगों ने परचेज वगैरह किया और यहाँ पे कई कस्टमर्स बैठे हुए थे, लड़कियाँ डांस कर रही थी, बारी बारी से आके वो लोग डांस कर रहे थे मतलब। उसके बाद और जो कस्टमर्स बैठे हुए थे, ड्रिंक्स और हुक्का वगैरह चल रहा था और वो लोग उन लोगों पर मतलब पैसे फेंक रहे थे जैसे नॉर्मल होता है। और फिर हम लोगों ने नीचे मतलब फ़ोन किया, दलपति ने जाके इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद थाना बिल्कुल, जैसे ही उसको खबर मिली थाना बिल्कुल मुस्तैदी से तुरंत यहाँ पर पहुँचा। फिर महिला थाना की भी टीम आ गई और अब हम लोग जैसे ही मतलब वो लोग आया, क्योंकि ये लोग वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि नीचे का जो इनका गेट है ये लोग वहीं पे एक बाउंसर खड़ा रहता है और वो पहले चेक करता है तभी अंदर आने देता है। जब हम लोग अंदर आ रहे थे तो हम लोग का भी उसने चेकिंग किया था, थोड़ा वो मतलब थोड़ा सस्पिशियस वो था लेकिन मुझे लगता है संभव उसने आने दिया हमें अंदर। तो उसके बाद तो मुझे लगता है जैसे ही थाना पहुँचा तो वहीं से खबर हो गई होगी इनको वॉकी टॉकी पर, क्योंकि फिर एकदम से मतलब इन लोगों ने भागना शुरू कर दिया। तो क्योंकि 2-3-4 एग्जिट्स हैं तो हम लोग जो थे, क्योंकि हम लोग बेसिकली कवर करना चाहते थे क्योंकि बाकी तो बाउंसर्स वगैरह थे, हम लोग लड़कियों को पकड़ना चाहते थे, लड़कियां हम लोग पकड़ पाए, बाउंसर को हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो बाउंसर ही था। मैम कितनी लड़कियां पकड़ रही हैं? 10 लड़की, सब लड़कियां पकड़ा गई क्योंकि मतलब हम लोगों ने मेन फोकस किया था कि पहले हम लोग लड़कियों को पकड़ लें क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वेटर्स थे और लड़कियाँ थी और बाकी तो कस्टमर्स थे। असली हरकत हो रहा था? हाँ बिल्कुल, अश्लील डांस हो रहा था जैसा बार्स में डांस होता है, बहुत छोटे कपड़े और इस तरह के कपड़े। आगे क्या करेंगे, क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई करेंगे? जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। लड़कियों को कचहरी भेजा जाएगा कस्टमर? देखिए उसमें हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा क्या गाइडलाइंस है, उसके ऊपर काम किया जाएगा क्योंकि इस तरह का डांस बाहर चलाना, इस तरह का डांस करना, इस तरह के अश्लील कपड़ों में डांस करना नहीं अलाउड। तो बार मालिक को भी केस होगा? बिल्कुल, बार मालिक पे तो केस होगा ही, उसी को हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। किसका है पता चला? जिसका भी रॉयल हिल्स होगा उसी का होगा, क्योंकि आगे के पोर्शन में रॉयल हिल्स है और पीछे के पोर्शन में ये चल रहा है, बाहर से ये नहीं पता चलता है, थोड़ा सा ढूंढने पे और करने पर ही हम लोग यहाँ तक। क्या क्या बरामद हुआ है यहाँ पे? मुझे लगता है ब्रांड की बहुत सारी बॉटल्स बरामद हुई है, करीब कितना होता है 300-400 बॉटल्स
दारू की बरामद हुई है और वॉकी टॉकी बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुए हैं। ये लाइन से भेजना, मुंह रख लो, लेकिन मुंह रख लो, एक एक करके 10 लड़कियाँ। हाथ पकड़िए ना, हाथ पकड़िए ना, लेते हैं, लेते आओ, कोई ऑप्शन ही नहीं था। हम लोग हिल भी रहे थे जब वो हम लोग को देखता था, तो हम लोग हिलते थे। कोलकाता से है लोग, हाँ कोलकाता से है लड़कियाँ, नागपुर से है, वो लोग तो पहले ही घेर लिए, जयपुर की है, पता नहीं, मुंबई की है, मुंबई की है, पता नहीं, निकलो ना अपना फेस जाके निकलो, ये तो लोग आप लोग पीछे ही ना, तो आप लोग मत देखिए, बाद में देख लीजिएगा, खाने जा रहे हैं।